मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद विष्णुदत्त शर्मा, पार्टी के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी सतीश उपाध्याय एवं न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष प्रदेश कार्यालय में सोमवार को कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सैयद जाफर पथरिया के वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिनेश श्रीधर, कांग्रेस महामंत्री मनीषा दुबे, संतोष पॉलीवाल, बसपा के प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महासचिव, पूर्व प्रचारक अभयराज सिंह, रतलाम के प्रदेश आईटी सेल महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी महामंत्री वीरेंद्र नायमा, अलोट विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सुरेश डांगी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश मैनुखेड़ी, एनएसयूआई के जिला प्रभारी गोपाल सिसोदिया सहित 64 से अधिक जनपद सदस्य, सरपंच, पूर्व सरपंच, कांग्रेस पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष ने अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चिंतामणि मालवीय, प्रदेश महामंत्री विधायक भगवान दास सबनानी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। शर्मा जी, आदरणीय आशीष अग्रवाल जी, अन्य नेताओं से चर्चा करने के बाद ये फैसला हमने किया कि जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास जिसको लेकर उनकी प्रशंसा पूरे देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, उसी पर पूर्ण विश्वास करते हुए आज मैं मोदी जी के परिवार में शामिल जी के। आप लंबे समय तक कांग्रेस में भी रहे, आपकी कांग्रेस नेताओं से बात हुई जब पार्टी छोड़ी? मैं 30 साल पहले मैंने एनएसयूआई की राजनीति की शुरुआत छिंदवाड़ा जिले के ब्लॉक से की थी। उसके बाद मैं एनएसयूआई का प्रदेश प्रवक्ता रहा, उसके बाद मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य रहा, उसके बाद मैं यूथ कांग्रेस का प्रवक्ता रहा प्रदेश का, उसके बाद मैं कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता रहा, उसके बाद मैं मीडिया कमेटी का उपाध्यक्ष रहा, उसके बाद अभी वर्तमान में कांग्रेस की वचन पत्र समिति के महत्वपूर्ण सांसद का सदस्य रहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब हम छात्र जीवन में थे तो आदरणीय बीडी भाई साहब एबीवीपी के प्रदेश के प्रवक्ता और कार्यालय प्रभारी थे, और उस वक्त मैं एनएसयूआई का प्रदेश का प्रवक्ता और कार्यालय मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बंटी भाई के विशेष प्रयासों से, आशीष भाई के विशेष प्रयासों से मुझे इस परिवार में शामिल करने में अहम भूमिका निभाई। और मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ कि देश अब मोदी जी के परिवार के साथ सबके साथ सबका विकास में जुड़ रहा है। मेरी कमलनाथ जी को लेकर कोई शिकायत नहीं, वो पूर्व में भी मेरे पितातुल रहे हैं, आज भी मेरे पितातुल हैं और भविष्य में भी मेरे पितातुल रहेंगे। लेकिन वर्तमान में छिंदवाड़ा के अंदर बंटी साहू जी जो पिछले 15 सालों से लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ जिन्होंने जनाधार बनाया वहां पर, और आज जो कांग्रेस के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी को लेकर जो डर बना हुआ है उसका एक कारण बंटी साहू जी की सक्रियता। और हम जितने लोग कांग्रेस परिवार को छोड़कर मोदी जी के परिवार में शामिल हो रहे हैं, ये उनकी मेहनत है। ईश्वर आदरणीय बंटी साहू जी का वो इसका फल। कमलनाथ जी भी शामिल होंगे क्या बीजेपी आगे? ये सवाल तो मेरे हैसियत कह लेंगे तो पिता से बात सुनने आप आ रहे थे भाई, ये विषय नहीं है चर्चा। नहीं नहीं, लेकिन इतने लंबे समय तक उनके साथ जुड़े रहे तो उनसे चर्चा तो होगी। इतना कुछ दिया आपको, इतना मिला होगा। मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मेरे 30 साल की राजनीति में मैंने पार्टी कर दिया है, पार्टी ने जो मुझे पद दिया है वो मेरी कार्यक्षमता से बहुत कम दिया। ठीक।